रहे हैं। अरे मैडम क्या कर रही हो? अरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, संभाल के रखो। अंतरी सर, पता नहीं हवा तेज क्यों चल रही है, कहीं ये सुनामी आने का आसार तो नहीं है? अरे वो सब छोड़ो राजेंद्र, सर को फोन लगा रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। सर, हाँ? सर बाहर एक औरत, तो क्या करूँ सर, वो वहां पर आइए सर। जल्दी छाता लेकर आ। जी सर। क्या बात है, क्या हो गया? मैंने मर्डर किया है। क्यों रही है? इसी को जान से मारना है। किसी को मारने के लिए सोचना नहीं चाहिए, दबका देना चाहिए। आ गया सुबह ही खत्म। रोज तुझे मारता हूँ फिर भी तेरा दिल नहीं भरता यार। प्लान परफेक्ट है ना? सब कुछ ओके है।
अपने पापा को बुलाओ। डैडी, बाहर सीमेंट नहीं आया है। क्या बोला? पिछले महीने हमारे कॉलेज में आकर एक मर्डर किया था इसने। गुंडा है ये। गुंडा है? क्या काम है? पहले आप इधर आइए। क्या है, पहले काम तो बताओ। पहले आइए तो। अपने बरगन भाई और आपके बीच का जो मसला है ना, 75 लाख रुपए का, उसका हिसाब किताब क्लियर करना है। कौन करेगा? अपना भाई आया है ना। कौन सा भाई? नहीं जानते? उधर बैठा है। सीमेंट है नहीं। सीमेंट है नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया नाम है। अरे सच कहो तो मैंने पहचाना नहीं आपको भाई। अब वसूली के लिए आए हो और आप बाहर खड़े हो? अंदर चल के बैठिए ना, अंदर आराम से बैठते आइए। अरे तुलसी, तुम डर के मारे यहाँ खड़ी क्यों हो? अरे ये अपने बरगन के लड़के हैं, इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चे, तुमने अपना नाम क्या बताया था? क्या एंथोनी? नहीं, हाँ सीमेंट एंथोनी, आ जाओ अंदर। अच्छा तुम लोग जानते हो, जब मेरी तुलसी से शादी हुई थी ना, तो 16 दिन में यहाँ पहुंच गया था। चारों तरफ जंगल था यहाँ। इस जंगल के बीच में घर बनाना बोले तो बहुत हिम्मत का काम था, फिर भी मैंने बना लिया, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत वाला आदमी हूँ। जब मैं यहाँ घर बना रहा था तो यहाँ के लोगों ने बहुत होशियारी दिखाई, लेकिन मेरे सामने उन लोगों की होशियारी टिक नहीं पाई। लेकिन आज भी जो लोग मुझसे टकराने की कोशिश करते हैं, उन्हें छोड़ता नहीं हूँ मैं। तुम क्यों टेंशन ले रही हो, ये लोग कुछ नहीं करने वाले। इस कुंजन भाई को बहुत लोगों ने धमकी दी, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। ये जो अपने नाम के साथ पीछे लोग कुछ एडिशन कर लेते हैं ना, गुंडा समझ के सब लोग डरने लगते हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोंगे लोगों के लिए वो ऐसा ही एक था। क्या नाम था उस गुंडे का, मुझे याद नहीं आ रहा, तुम्हें याद है क्या? सुपली राघवन। वो बहुत बड़ा गुंडा था। ए, उसने क्या किया? वो मुझे फोन करके धमकी दे रहा था। उसने सोचा डर जाऊंगा, कुंजन नाम है मेरा, ऐसे छोटी मोटी धमकियों से डरता नहीं हूं। मेरा गुस्सा होने से पहले निकल जाओ, लाशों पर पैर रखकर यहां तक पहुंचा हूं, मुझे डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। एक बार इस कुंजन ने फैसला कर लिया ना, तो समझ लो भगवान का आदेश है। तुम्हारे उस बरगन से पैसा लिया और वापस कर दूं मैं, ये हो नहीं सकता। शाम होने से पहले तुम सब लोग यहां से निकल जाओ, चलो चलो निकलो बरगन के पिल्लो। अरे कुंजन सर जी, बहुत भूख लगी है। कहाँ घुसा चला जा रहा है? ए, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? ए, क्या कर रहा है तू? ए, चल निकल बाहर, जा यहाँ से। खाना खाने दे बे। तुमको जो जितना बोलना था उतना तुमने बोल लिया, अभी भाई का खाने का टाइम हो गया है, अगर टाइम पे नहीं खाया तो तुम्हारा टाइम शुरू। कुंजन के घर में जबरदस्ती खाना खाएगा, तुम लोगों को बताता हूँ मैं। अच्छा। अभी फोन लगाता हूँ। फोन नहीं लग पाएगा भाई, बाहर जैमर लगा हुआ है ना। ए, क्या कहा? ए, चुप रहे बुड्ढे। तेरी फालतू की बकवास सुन के कान पक गया है मेरा। तू अब तक बहुत सारे गुंडों से मिला होगा, लेकिन मेरे जैसे गुंडे से पाला नहीं पड़ा होगा। पूरा शहर मुझे एनी के नाम से जानता है, इसलिए मुझसे भिड़ना मत। देख बुड्ढे, इसमें तेरा ही फायदा है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करता जा। अगर तूने मेरी बात अपने भेजे में नहीं डाली ना, तो अंजाम बुरा होगा। अरे मेरा बिस्तर से उठ जा जल्दी। सटिया गया है क्या? एक बार एनी जिस घर में घुस गया ना, अपने काम को अंजाम देके ही निकलता है। ये आदत बन गई है मेरी। बुड्ढे ये तो जानता होगा ना कि आदत आसानी से नहीं जाती है, इसलिए यहाँ से अपना काम निपटा के ही जाऊंगा, और पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। अबे जाके पैसे लेके आना, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ज्यादा टाइम मत लगाना।
पहले बरगन से बात करूंगा मैं। ये हुई ना बात। अबे जाड़िया, हाँ भाई, जाके जयमा रटा। ठीक है। हाँ बोलो गुंजन भाई, मेरे लड़के हैं या चले गए? कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं किया उन्होंने? मेरा एक लड़का है, एनी नाम है, बहुत खतरनाक है, बच के रहना उससे, समझे? अगर मैंने किसी को टपकाने का सोचा तो मार देता, मेरा उधार चुका नहीं तो जान से जाओ, क्या बोलते हो? मैंने तो अपना सारा उधार चुका दिया, लेकिन बरगन, हाँ, मेरा कुछ उधार चढ़ गया तुम पर। अच्छा? क्या कर लोगे कुंजन? मैं तो वसूल करके रहूंगा। तू मुझे डराने की कोशिश मत कर, शुरुआत तू करेगा तो खत्म मैं करूंगा। फैसला तेरे हाथ में कुंजन। अच्छा सीमेंट एनी, ये मसला यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला, अब तो शुरुआत है। कुंजन भाई का फैसला मतलब? कुंजन का फैसला मतलब उस भगवान का आदेश। बोल लिया। हाँ बंटी भाई नमस्कार। हाँ आप बेकार में टेंशन मत लीजिए, आपका काम करवा दूंगा, कल ही सीमेंट देने को भेजता हूँ मैं, आप फिक्र मत कीजिए। अरे मैं हूँ ना। इसी से मैं ही डरते हैं हम, धीरे धीरे नशा चढ़ता है, मस्ती में लाइफ कटे। यानी कल तेरे को बंटी भाई से जाकर मिलना है, सारे अपने पार्टी के लोग हैं, हमारी सपोर्ट की जरूरत है उन्हें। हमें अपने संस्थान में एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, और किसको क्या चाहिए इसकी लिस्ट बनाइए। जो हमारे खिलाफ खड़ा उसे संभालेंगे कैसे? सलाम अनी भाई। नमस्कार अनी भाई। सर वेट कर रहे हैं, सीमेंट एनी आया है। उसे ऊपर लेकर आओ। यह है मोहन रक्षक, यह आदमी कभी मेरे सामने जी हुजूरी करता था, कमेटी में मैंने इसकी सिफारिश भी की थी। पहले मुझे यह लगा कि यह कोई खानदानी आदमी है, लेकिन जब मैंने इसकी छानबीन की तो पता चला यह एक नंबर का घटिया आदमी है। ना इसके कोई आगे है और ना इसके कोई पीछे है, यह अकेला है। पार्टी में इसकी कोई हैसियत नहीं थी, मगर फिर भी मैंने इसे एक पोस्ट दी, और जब पार्टी अलग हुई तो इस आदमी ने जॉनी का साथ दे दिया, मेरे पीठ में छुरा भूखा।
जिस आदमी को मैंने खड़ा किया तो मैं इसे बर्बाद कर सकता हूँ ये जानता नहीं है। इसकी वो हालत करो कि पुनर्जन्म लेने से डरे। जिसके पास कुछ भी नहीं था वो मोहन इस तरह तुम्हारी पार्टी छोड़ेगा, ऐसा सोचा था क्या तुमने? गौड़ा जी 4 बजे का इंटरव्यू है, जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा तैयार रहना उसे खत्म करने के लिए। उस जैकब का राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा मैं। चलिए ठीक है गौड़ा जी, आप अब फोन रखिए, मेरे जॉगिंग करने का समय हो गया है। अगर सेहत अच्छी रहेगी तभी गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। I'm sorry. एंथनी सुनो सर, अंबाला कांड के केस का क्या हुआ? अच्छा ये कौन है? सर मैं जितेश। सर ये हमारे एडवोकेट कृष्णामूर्ति का दामाद है। हाँ, ऐसा है क्या? क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम सीधा पुलिस स्टेशन आ रही है। ठीक है आने दो। तुम्हारे शर्ट पे लगा खून अगर मरने वाले के खून से मैच हुआ तो नो डाउट जिसे तुमने देखा है वही खूनी होगा। अगर उसे दोबारा देखा तो उसे पहचान पाओगे ना जितेश? उस आदमी ने हेलमेट पहना हुआ था, फिर भी अगर मैं उसे दोबारा देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। जितेश तुम करते क्या हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्फो पार्क में, टेक इंटरैक्स। आप अपनी शर्ट उतारिए, हाथ का ब्लड सैंपल भी कलेक्ट कर लो। Thank you.
तेरी प्रॉब्लम क्या है? खून की बदबू आ रही है तुमसे। इसीलिए तो तेरी खुशबू लेने आया हूँ मैं। तुम्हारे इस गंदे खून की वजह से मेरा सारा काम रुक गया। खून खराबा करने के अलावा और तुमने किया ही क्या है जिंदगी में? जबरदस्ती मुझसे शादी की, उतारो मुझे, छोड़ो, उतारो मुझे। बाद में रिपोर्ट करता हूं सर। सर, कल वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, ब्लड सैंपल सेम है। क्या बात है डीएसपी साहब? कुछ नहीं सर, बस एक छोटी सी इंक्वायरी है। मेरी बेटी का बर्थडे है, केक तो कट जाने दीजिए। ठीक है सर, काट लीजिए, हम यहाँ वेट करते हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। हाँ ठीक है सर, आइए मिलकर खाएंगे। ये नहीं सर, ये वाला ये भी नहीं सर, ये नो सर, और ये नहीं सर, और ये नहीं सर। सर बैग सर, ही इज द वन। जितेश, आर यू श्योर? यस सर। सिमंटनी है ये। क्या बात है सर? सर आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन तक तो ठीक है, लेकिन इस बात को लेकर जितेश को आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, ये सीक्रेट रहेगा। तो ठीक है, अभी आप लोग जाइए, आज मेरी बेटी की गोद भराई है, उसमें मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, जाइए आप लोग। ठीक है सर, बाद में मिलते हैं। थैंक यू जितेश। यस सर।
अपने एनी भाई को 14 दिन की जेल हो गई है। अब रमा तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है? अब क्या बताऊं आपको, ये लोग जो करते हैं वो ठीक नहीं है। लड़ाई झगड़ा करते हैं ये लोग और परेशान हम होते हैं। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हारी हवस मिटाने। ये जेल है। तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? ओ, इन सब से तुम्हें डर लग रहा है? बोलो। मेरा एक काम करेगी, कावल नदी मंदिर में चले जाना, याद रहे शाम को जाना है। मोबाइल साथ में रखना, मैं फोन करूंगा। हेलो, पहुंच गई? हाँ पहुंच गई। तुझे सामने तालाब दिख रहा होगा, उसके अंदर तुझे जाना है। तालाब के अंदर तुझे काले रंग का बैग मिलेगा, बस वही तुझे लेना है। डर लग रहा है क्या? तुमने कभी डरने दिया है? Shit!
कहीं अकेले मत जाना, मैं भी चलूंगी साथ में। नहीं, रहने दो। कब तक घर में रहोगी, थोड़ा बाहर घूमो। अरे रहने दो, उसे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी करने के बाद जिंदगी तबाह हो गई मेरी, सब खत्म हो गया।
हाय रेशमा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा? एक क्लाइंट मीटिंग है। अरे क्या बात है? वो कुछ नहीं, बेबी तुम्हें याद कर रहा है, पापा कहाँ है ये पूछ रहा है। हाँ, उससे बोलो कि मीटिंग के बाद पापा सीधे घर आएंगे। ओके, लव यू। लव यू टू। हम दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे। इट्स ओके, तुमने मुझे पहचान लिया। आइसक्रीम बोलूं क्या? तुम्हें मेरी पसंद बहुत पता है। यस, तुम्हारी पसंद नापसंद आज तक मैं भूला नहीं हूं। अभी अचानक से मेरी याद क्यों आ गई? क्यों नहीं आनी चाहिए थी क्या? तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? वो यहाँ नहीं है। ओ, तो अब्रॉड में है क्या वो? हाँ। जितेश, तुम्हारी फैमिली? शादी नहीं की? ट्राई किया था मैंने, पर कोई मिली ही नहीं। तुम्हारी जैसी लड़की तो दुनिया में एक ही बनी है, तो मैं दूसरी क्यों ढूंढूं? अब शांत हो जाओ बरगन। कैसे शांत हो जाओ? ये बरगन कोर्ट में मेला देखने नहीं गया था, एनी के लिए गया था। मैंने सोचा मेरे बेटे एनी की जमानत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार रिमांड बढ़ाकर उसकी जमानत नहीं होने दे रहे हैं। पुलिस वालों ने उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी है, फिर भी उसके चेहरे पर हंसी रहती है। उसका मतलब जानते हो तुम? क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा है। बरगन भाई उसे कुछ नहीं होने देगा। सुनो बरगन, आपकी नजर में एनी सीमेंट तो किसी का भी मर्डर कर देने वाला एक गुंडा है, लेकिन बरगन के लिए दिल का टुकड़ा है वो। अगर उसे कुछ हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। उसके खिलाफ कोई गवाही देगा हमने सोचा नहीं था। जमानत ना मिलने की सिर्फ वही एक वजह है। किसने उसके खिलाफ गवाही दी? पता करो उसका। जैसे उसका पता चलेगा सीधा ऊपर भेज दूंगा। अरे कौन है वो लड़का जिसे तुमने गवाह बनाया हुआ है? डिपार्टमेंट का मामला है क्या? किसके अंडर है? बरगन बोल रहा हूँ सर, मैं ही आपके पास मिलने आने वाला था। आपके डिपार्टमेंट के फाइल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे इन्हीं को जरा भी खरोच आई ना, तो सभी की लाशें बिक जाएंगी। सर, प्रॉब्लम हो सकती है। एनी का मामला है, बरगन को रोकना मुश्किल है। मुझे और मेरी बहन को कुछ लोग यहाँ पकड़ कर लाए थे। सर, मैं तो किसी तरह बचकर आ गई, मेरी बहन उनके कब्जे में है। प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। एरिया किसका है? पता नहीं भाई।
धोखा दिया तूने लड़की, कौन है तेरे पीछे बता। मौत का सौदागर, लोग भगवान की पूजा करने से पहले इस कुंजन को चढ़ावा देना नहीं भूलते। मेरा उधार बाकी है अभी और कुंजन अपना उधार छोड़ता नहीं। बहुत बड़ा भाई बनता है ना तू। तूने अपना उधार वसूल करने के लिए अपने गुंडों के साथ अपने खास पिल्ले को भी भेजा था ना, सीमेंट एनी। उसने गलती की, इस कुंजन के घर में कदम रखा और इतने से पेट नहीं भरा उसका। मेरे परिवार के सामने उस एनी ने मेरी बेइज्जती की। अभी उसका हिसाब किताब पूरा वसूलना है। बस जेल से बाहर आने दो, उसका भी गेम बजा दूंगा। तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी है, कायरो की तरह पीछे से वार करता है। एनी को मारने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एनी तुझे छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा। एनी कायरो की तरह पीठ पीछे वार नहीं करता कुंजन, वो बब्बर शेर है, चीर के रख देगा तुझे। जब आएगा तब देख लूंगा उसे, अभी तो तेरी बारी है। तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आई हो क्या? सिर्फ यहाँ ही नहीं, ऐसी खूबसूरत जगह पे मैं कभी भी नहीं गई। ऐसा क्यों? हस्बैंड को पसंद नहीं? हाँ? बचपन में मेरे साथ धोखा हुआ, जिसे मैं जानती तक नहीं थी उसके साथ शादी हो गई, सब तबाह हो गया। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ मैं। ये सीमेंट एनी की बीवी है ना? ये दोनों अक्सर मेरे होटल में आकर एंजॉय करते हैं।
पे चलना है ना? नहीं, बरगन भाई के अड्डे पे चल। सी जगह है ये, पहले तो कभी नहीं है। आप आइए तो। कैसे हो भाई? अच्छा हो। जगह तो बहुत अच्छी है, बरगन भाई ने खरीद लिए क्या? आइए भाई अंदर चलते हैं। चैप्टर क्लोज हा? किसने किया ये सब? क्यों नहीं? मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए बोला था ना, बरगन भाई मेरे बाप की तरह था, फिर भी तुम लोग के सामने। बरगन को जहां दफनाया है वहां जाना है ना? कुंजन को दफनाने के बाद नशीली है मैं भी जवा हूं दोनों Oh!
अबे रुक जा, मारेगा मुझे? पहले आपने बीवी के यार को मार, उसके बाद मुझे मारना। क्या बोला, क्या बोला तूने? जाके अपने बीवी से पूछ, वही बताएगी। तेरी बीवी गुलछरे उड़ा रही थी किसी के साथ जब तू जेल में था। हाँ, तो जाके खुद ही देख ले, अपने आशिक के साथ होगी। आजा, आना, पहले उसे जाके मार। मैं कहीं नहीं भागे जा रहा हूं, यही रुकूंगा तेरे लिए। गुंजन को मारेगा। इस तरह के हसीन सपने दिखाकर बीच में छोड़ मत देना मुझे जितेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी है। हमें कब होंगे जितेश? कुछ दिन और इंतजार करो बस। जितेश एक मिनट होल्ड करो, मैं आती हूँ। बाद में फोन करती हूँ। पर हुआ क्या? अरे मैं बाद में बताती हूँ। Thank you.
जिसने गवाही दी थी पता चल गया उसका। मैं बाद में फोन करता हूँ। तुम्हें ऑफिस जाने के लिए बोला था ना, मैं माँ के साथ आ जाती ना। ऑफिस के काम बाद में कर लूंगा मैं। भाई मिल गया वो। सोच रहे हो भाई, जिसने बरगन भाई को मारा उसे छोड़ दिया आपने और आज उसको भी। भाई आप डर गए हो क्या? दुश्मन का गला काटते वक्त कभी मेरे हाथ नहीं कांपे, लेकिन वो गर्दन अगर किसी अपने की हो तो मैं डर जाता हूं, क्योंकि दर्द तो मुझे ही होगा ना। जितेश तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो क्या? मैं बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ। मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी बोरियत एक मिनट में दूर कर दूंगा मैं। अभी नहीं, बाद में जरूर मिलूंगी। पर अभी क्यों नहीं? देखो मुझे तुमसे मिलना है अभी के अभी। बहुत दिनों से तुमसे मिली नहीं। सही कहा। पहली बार देखा था तो मैं पागल हो गया था। जल्दी से मिलो ना, सब्र नहीं होता मुझे। मेरे दिल की हर धड़कन तुमको ही पुकारती है। मेरी भी धड़कन तुम्हारा ही नाम लेती है। हेलो हेलो, मैं बाद में फोन करता हूँ। कौन है आप? आपसे ही पूछ रहा हूं, हु आर यू? अगर तू मुझे नहीं जानता तो फिर ऐसे डर क्यों रहा है? पहली बार किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी। इस सेमेंटनी का वो
कुछ नहीं कर सकता, रख दे। प्यास लगी है। चल साथ में बैठ के चीयर्स करते हैं। नहीं, मुझे नहीं पीना। अबे डर मत यार। अगर मैं पुराना या नहीं होता तो अब तक तुझे टपका दिया होता। कुछ चीजें पता चलने के बाद हम खुद को बदल देते हैं। कुछ ऐसा ही बदलाव मेरे अंदर आया है। इस बदलाव की वजह तू है। लगता है तुझे मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है। चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। चलता हूं। मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तेरा साथ मरते दम तक दूंगा। जी भी आ गए हैं क्या? हाँ। अच्छा हिमा, मैं चलती हूँ। ये ड्रेस है, तेरे लिए खरीदा है। मैं बरगन भाई की कब्रों पे गया था। मेरा दिल कहीं लग नहीं रहा। कुछ दिनों के लिए कहीं जाना चाह रहा हूँ। तू भी चलेगी क्या? नहीं, तुम अकेले ही चले जाओ। मैं चलता हूं। जितेश, ये तुम्हारा घर है क्या जितेश? नहीं, ये मेरे एक दोस्त का घर है। चलो। जितेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? सीरियस? ऐसी भी क्या सीरियस बात है? मेरा वापस जाने का मन नहीं हो रहा, तंग आ चुकी हूँ मैं। ठीक है, अब तो हम कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। आई वॉन्ट सम टाइम, क्योंकि ऐसे कहीं भी जाएंगे तो लीगली हम साथ नहीं रह सकते। पहले तुम्हें डिवोर्स लेना होगा। हाँ तो ले लूंगी ना।
देखो हर चीज में टाइम लगता है, ये सब इतना आसान नहीं है। अच्छा, इन बातों से मेरा मूड मत खराब करो हेमा, चलो बेडरूम में चलते हैं। नहीं, ये सब हम शादी के बाद करेंगे। बोला ना शादी के बाद। प्लीज। नहीं। ए, हेमा, हेमा, क्या हो गया तुम्हें? मैं जा रही हूँ। मेरी बात तो सुनो, हेमा, हेमा। मैं जा रही हूँ। किधर गई थी तू? मैं पास के मंदिर में गई थी। मैं नहीं गया, तुझे अकेले छोड़ के जाने का दिल नहीं हुआ। अब हमें साथ में नहीं रहना चाहिए, अलग हो जाते हैं। मुझे लीगली डाइवोर्स चाहिए। थोड़ा चावल दे। अगर म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। कल सुबह तैयार रहना, वकील के पास चलेंगे। तैयार हो गई क्या? चल चलते हैं। ये लो, गाड़ी में रखो। ये लीजिए। डैडी, आज मर्डर केस का लास्ट हियरिंग है ना? 2018 में हरियाणा हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी उसे मैंने मार्क कर दिया है। इट विल बी यूजफुल टू यू। ये तुम्हारे फैमिली कोर्ट में सेटलमेंट होने वाला केस नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट वाला केस है। ओहो, तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं? अभी तो आप मेरे नोट को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कार में उसी को देखेंगे। ये सब सुंदरेश अंकल मुझे बताते रहते हैं। सुनिए जी, सुंदरेश मुझे सब कुछ बताएगा, इससे आप बच के रहिएगा। थैंक्स माय डियर। जितेश कब आने वाला है? शाम तक आ जाएंगे डैडी। रेशमा जी हैं क्या? अंदर रह जाइए आप। मैडम। पप्पू भाई ने आपको भेजा है ना? एनी। बैठिए। और इनका नाम? हेमा। लव मैरिज हुई आपकी?
जी हाँ। डिवोर्स किसे चाहिए? मुझे चाहिए। रीजन? ये गुंडे हैं। जब शादी की थी तो ये बात नहीं पता थी। हेमा, सोच समझ कर ही कोर्ट में केस फाइल करना। अभी सोचने के लिए कुछ नहीं बचा। जैसी इसकी मर्जी मैडम। ठीक है, दोनों का एड्रेस प्रूफ और बाकी के डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। पेपर्स में तैयार करवाती हूँ। आप दोनों के साइन लगेंगे, 5 डेज लग जाएंगे। ओके। जितेश। मेरे हस्बैंड है जितेश। चले। नहीं, तुम बैठी रहो, बैठी रहो। क्या बोला उसने? अरे पापा पापा पूछता रहता है, हमेशा लात मारता रहता है। क्या हुआ, उठा क्यों नहीं रहे हो? अरे पुराना क्लाइंट है, बहुत परेशान करता है, मुझे मेरी बेबी से बात करनी है। सुनो, एड्रेस प्रूफ डिटेल्स लेके कल वकील से मिलने चलेंगे। 5 दिन के इंतजार की जरूरत नहीं है। काफी देर से तेरा ही वेट कर रहा हूं, सोचा तेरे से मिलके ही जाऊं। आखिर बात क्या है? कोई बात हो तभी तुझसे मिलने आऊं क्या? बोलना, तेरे से किसी के बारे में बात करनी है, इसीलिए यहां आया हूं। किसके बारे में? क्यों ना हम बैठकर बात करें? ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, वहीं इससे मेरी दोस्ती भी हो गई। आजकल यही सब चल रहा है, बचपन के प्यार को लोग ढूंढ ही लेते हैं। इसके बारे में काफी कुछ जानता होगा तू, है ना? अरे उसका पति जो है ना, वो हमेशा बाहर ही रहता है। ये अपने पति को पसंद ही नहीं करती है।
सब कुछ हो चुका है। यहाँ आकर मिलेगी तो मैं और क्या कर सकता हूँ। कोई सामने से ही ऑफर देगा तो मैं अपने आप को कैसे रोक पाऊंगा, आप ही बताइए। ये सब मेरे लिए आम बात है। एक बात बता, तेरी बीवी सास ससुर को पता चला तब क्या होगा? तेरी तो बैंड बज जाएगी। इस बात का तुझे डर नहीं है क्या? जो लोग ज्यादा अकलमंद होते हैं ना, उन्हें बेवकूफ बनाने में मजा आता है। ये फोटो जिसने मुझे दी है ना, वो उसका पति है। उसे बोलो कि जाकर वो शर्म से डूब मरे। तुझे पता है वो कौन है? जानता है क्या तू? उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट फोन पे बात की और कुछ नहीं। सच कह रहा हूं मैं। मैं बस एक ही काम अच्छी तरह से जानता हूं, किसी को जान से मारना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तलाक के लिए वकील सबूत मांगता है। तू जाके बोलेगा उसे? हाँ मैं बोलूंगा, तुम जहां बोलोगे मैं वहां कर सब कुछ बोलूंगा। बस इतना काफी है। मेरे वकील को तू जानता है, एडवोकेट रेशमा। चल चलते हैं, आ जाओ। देखो वो प्लीज, वो मेरी बीवी है, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। प्लीज माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। मेरे परिवार का क्या? हाँ मेरा परिवार नहीं है। तू उसे लेके कहीं घूमने गया था ना, मुझे भी वहां लेके चल। चल यहीं से इन सब की शुरुआत हुई थी ना, आज मैं सारी कहानी यहीं खत्म करूंगा। चल बताओ 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 क्या क्या किया था उसके साथ, बताओ। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। ठीक है, नहीं मारूंगा मैं तुझे, लेकिन तुझे उसे अपनाना होगा। नहीं। अपनाएगा? मेरी पत्नी है। अच्छा तेरी पत्नी है, उसे मैं अपने पास रख लूंगा। नहीं। तुझ पे आई तो खून खोल उठा। जाके उसे सच बता दे। बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा मैं। उतर। जाके बता दे, सब सच बोलना। जाओ
चलो अंदर चलो। आओ, बहुत तड़प रहे थे ना, अब क्या हो गया तुम्हें? अब क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो बस तुम्हें पाना चाहता था, दैट्स इट। तुम्हारा जिस्म ही मेरी चाहत थी। सुनो रेशमा, सुनो, ये सब एक ट्रैप है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि खूनी के खिलाफ मैंने पुलिस स्टेशन में गवाही दी है, ये उसी खूनी की पत्नी है। ये सब ट्रैप है, ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं, ये सब एक प्लान है रेशमा। मैं सच कह रहा हूं, चलो रेशमा हम चलते हैं यहां से। रेशमा क्या बताया, सब सच बताने के लिए बोला था ना।
हेलो। हाँ सर, सर मुजरिम यहीं पर है, आप कब आने वाले हैं? जान बच गई, सही वक्त पर उसे ले आए, वरना उसकी जान बचाना मुश्किल था।